बोकारो के सेक्टर एक स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष किशन तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से प्रदेश में युवा विरोधी सरकार काम कर रही है, जो वादा कर सरकार में आई कि सरकार आएगी तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन इस कोविड काल का बहाना कर उसने किसी को भी नौकरी नहीं दी, बल्कि जिन्हें नौकरी मिली है उनकी नौकरी छीनने में लगी है। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन का विस्तार करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करते रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बोकारो का यह पहला जिला बैठक है। इस जिला बैठक में हम सारे लोग संगठन विस्तार और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन की भूमिका का एक स्वरूप और प्रारूप तय करने वाले हैं। वर्तमान में सरकार जिस तरह से युवा विरोधी सरकार के रूप में काम कर रही है, जो वादा करके सरकार आई थी कि आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आज के ही अखबार के बड़े बड़े हेडलाइन में छापा है, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग इस कोविड काल में नौकरी के चाहत में सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। एक गहरी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार, जिसको अपने सत्ता में बैठने का एक अहंकार हो गया है। महिला हो, युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, सबके साथ छलावा, और तो और आदिवासी अस्मिता की बात कह करके सत्ता में आने के बाद जिस तरह से सरकार मिशनरीज और ईसाइयों के हाथों में या उनके गोद में बैठकर खेल रही है, उससे आदिवासी अस्मिता तार तार हुआ है। सबसे अधिक आदिवासियों के साथ, आदिवासी नाबालिग बहनों के साथ कहीं रेप की घटना घटी है तो इसी झारखंड में हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।